हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं आपको बताऊंगी 36 ब्लाउज का कटिंग। तो यहाँ पर मैं पूरा कटिंग दिखाऊंगी, लेकिन मैं स्टिचिंग जो है वो बैक साइड का दिखाऊंगी। और मैं चाह रही थी कि पूरा लंबा दिखाना, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास 36 इंच का ब्लाउज़। तो यहाँ पर हम अस्तर को दो बार फोल्ड कर लेंगे। और लंबाई में ले रही हूँ 15 इंच और चौड़ाई में है ये 11.5 इंच। अब यहाँ पर हम लेंगे कंधा, तो 6 इंच हम कंधा ले लेंगे। ये बोट ने कहा था इसे थोड़ा सा बड़ा इसका फरमा था, तो यहाँ पर मैं अपना जो कंधा है वो कम कर दूँगी। तो 6 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई रहेगा इसका जो कंधे का है। और आगे एंड पीछे दोनों का पल्ला हम साथ में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मेज़रमेंट करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं सेप ले रही हूँ, सेप दे रही हूँ। तो जो आगे का पल्ला है उसमें 1/2 इंच अंदर करके आपको इसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। और पीछे के भाग में आपको सिंपली गोलाई दे देना है, सेप दे देना है। तो ये है आगे का पल्ला और ये रहा इस साइड में पीछे का पल्ला। और 36 है, मैं ये अक्सर हर ब्लाउज पे करती हूँ, लिखते भी जाती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर मैं सेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर आगे के मैं थोड़ा सा मैं डीप सेप दूँगी और बैक साइड के लिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल सेप दूँगी। तो ये देखिए मैं अंदर की साइड भी कर लूँगी। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो अलग करने के बाद ही आप जो भी प्रोसेस करें, नेक वगैरह जो भी कर रहे हैं उसको आप अलग करके ही कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो गला है वो है 2.5 इंच। और हमारा जो क्योंकि यहाँ पर मैं डोरी लगा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। हालांकि यहाँ पर 2 इंच लेंगे, क्योंकि मैं सोची पहले 2 इंच कर लेते क्योंकि कंधा गिरता है, लेकिन यहाँ पर मैं 2.5 इंच लेके बैक साइड का जो मेरा गला है वो है 12 इंच। और फ्रंट साइड का मेरा जो गला है वो है 7.5 इंच एंड चौड़ाई में है 3 इंच। तो इसे बैक साइड वी नेक हम बनाएंगे और फ्रंट साइड स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिब्बा कर बना के इसे हम आकार दे देंगे। अपना जो भी आपको सेप करना है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वीट हार्ट नेक बनाऊंगी, उसके बाद हम इसे कटिंग करके हम अलग कर देंगे। आप चाहो तो कोई भी सा नेक ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो आप, जो भी आपको समझ में आए। तो हम इसे कटिंग करके अभी अलग कर देंगे। तो देखिए गाइस, मैं अक्सर ऐसी साथ में ही कटिंग करती हूँ, आगे एंड पीछे का गला जो है मैं अलग ही कर रही थी। अब यहाँ पर हम स्लीव्स अलग कर देंगे। तो वहीं से जो कपड़ा बचा हुआ था उसे मैं फोल्ड कर लूँगी। और जितना मुझे स्लीव्स चाहिए था सेम मुझे उतना ही कपड़ा मिला। तो यहाँ पर हम इसे 4 परत में फोल्ड करके अच्छे से इसमें हम आर्म होल मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंधे पे 1/2 इंच माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच 1.5 इंच माइनस कर देंगे। उसका जो आएगा, जो बचेगा उसमें हम उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम उस स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 आ रहा था, तो मुझे 8.5-9 ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सीधे लाइन में तो ये 1 इंच बच रहा था, लेकिन हम इसे जब सेप देंगे तो ये 1.5 इंच बढ़ जाता है। तो इसमें मैं सेप दे दूँगी और यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच उतार के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं लाइन खींच दूँगी, उसके बाद एक गोलाई दे दूँगी अच्छे से। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे और जिधर मोहरी रहेगा उस साइड हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। तो अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्लीव्स पे भी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स की में कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के लिए स्लीव्स डिज़ाइन भी लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैं सोची गाइस ऐसे नॉर्मली वीडियो तो मैं शूट कर नहीं रही हूँ, तो क्यों ना मैं जो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ उसका वीडियो डाला जाए, क्योंकि बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना बकरम वगैरह मैं प्रेस करके रख ली थी और ये रहा मेरा अलग अलग पार्ट। मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पर मेरा जो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक टक्स डालेंगे जिसे मैं 4 इंच चौड़ाई में ले ली हूँ 2 फोल्ड करने के बाद, और लंबाई में है 5.5 इंच। पता नहीं पूरा एकदम परफेक्ट बैठा। जब ऊपर से मैं ये पफ लगाने के लिए जब मैं सेट की तो ये ऊपर से 10 इंच आया था, जो एकदम परफेक्ट पफ बना हुआ है। और बीच में आपको जो ये पहला पफ लगाने के बाद वो 3 इंच का रहेगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से टक्स को लगा लूँगी और 2 बार सिलाई लगा लूँगी अच्छे से, ताकि हमारा जो टक्स है वो अच्छे से रहे।
अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को अलग अलग सिलाई करेंगे, मेन फैब्रिक एंड अस्तर वाला जो कपड़ा है उसे अलग अलग हम सिलाई कर लेंगे। अलग अलग आप करेंगे तो अगर आप नॉर्मल सिल रहे हैं बिना पफ का तो आप एक साथ दोनों को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पफ लगाऊंगी तो यहाँ पर मैं अलग अलग सिलाई करूँगी, अस्तर को भी अलग सिलाई करूँगी एंड मेन फैब्रिक है मेरा उसको भी मैं अलग सिलाई करूँगी। तो देखिए मैं दोनों पार्ट अलग अलग सिलाई कर चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपना जो पफ है उसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेंटर ले लूँगी, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो सेंटर में निशान लगाने के बाद हम इसे उल्टा करके उल्टे की तरफ पफ लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम रखेंगे। आप चाहते हैं तो इसे हाथ से सुई धागे की हेल्प से भी टच करते वो भी बेस्ट है, लेकिन मैं मेरा जिस तरह से मैं करती हूँ मेन फैब्रिक में। आप मशीन कभी मत चलाइएगा या फिर आप हाथ में टाकिएगा, या फिर आप अगर मशीन चलाना चाह रहे हैं तो आप अस्तर वाले कपड़े में चलाइएगा। तो देखिए बहुत ईजली लग गया, आपको ज़्यादा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ईजली जो है वो पप लग जाता है, आपको ना ही मेन फैब्रिक में लगाना है इसे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ही हाथ से टाँकना है इसको। तो देखिए दोनों पफ में आराम से लग चुके हैं। अब हम इस पफ को अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये सीधे तरफ चला जाएगा। तो अब हम दोनों मेन फैब्रिक एंड अस्तर दोनों को ज्वाइन करके हम इसे सिल लेंगे, सिलाई लगा लेंगे कमर की तरफ, ताकि हमें पलटने वाला पट्टी लगाना ना पड़े। हमारा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ये काम करेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं कि एक्स्ट्रा हम भाई कमर वाला पट्टी भी लगाएं, ये दिक्कत नहीं आएगा हमें। तो दोनों को अच्छे से दोनों डॉट हमारा जो है वो दोनों जो टक्स है वो अच्छे से बैठाते हुए उसको सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ भी उसको पलटने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। और वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जो सिलाई है उसे करना है। आपको पफ भी लगाना है तो फिनिशिंग के साथ ही करना है, आपको एकदम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर से भी सिलाई लगा लूँगी। बहुत सारा पीस है जो मुझसे मिस हो गया है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो बार बार बंद हो जा रहा था, तो फिर ऑन करती थी फिर ऑफ करती थी, इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं आप सभी को दे पाई, क्योंकि मैं मेरा जो फ़ोन था वो पता नहीं वीडियो नहीं हो पाता। अब हम यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगाने बाद हम इसे सेट करेंगे, ऊपर नीचे दोनों पल्ला को सेट करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर मेरा जो नेक है जो मैं प्रेस करके रखी थी बकरम, उसे मैं देखिए सेट कर दी, कितना अच्छा कितना प्यारा जो गला है वो एकदम उभर के आया है। तो इस तरह से रहता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है पहनने के बाद भी। अगर आप नॉर्मल कपड़े में करते तो उतने उभरता नहीं जितना अच्छा ये बकरम से उभरा हुआ है। अब देखिए ये फ्रंट वाला जो एरिया है उसे मैं स्टिच करूँगी अभी। तो यहाँ पर मैं कमर वाला जो हिस्सा है उसे सबसे पहले स्टिच कर लूँगी, नीचे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप नीचे सिलाई लगा लेते हैं तो ऊपर में आपको पट्टी लगा के उसे ऊपर वगैरह करने में कोई झंझट नहीं रहता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो नेक है उसे भी मैं पलट चुकी थी। अब मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाऊंगी और उसमें डोरी लगाते हुए लेस लगा दूंगी, ताकि एक प्यारा सा लुक आए। और रियल में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना ब्लाउज बनने के बाद, मैं चाहती थी कि पूरा फुल ट्यूटोरियल डालू, लेकिन स्पेस फुल हो चुका था ट्यूटोरियल डालना, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ डिलीट कर चुकी थी उसके चक्कर में, फिर भी फुल हो गया तो मैं नहीं डाल पाई। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर लेस लगा लूँगी। लेस लगाने से ब्लाउज में लग गया, बहुत सिंपल तरीके से मैं लेस लगाई हूँ। और इसका जो नेक है बैक है का वी शेप है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रिकली लग रहा था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लगा लूँगी और यहाँ पर मैं डोरी भी साथ में लगा लूँगी, ताकि बार बार मशीन चलाने से बहुत ही रफ दिखता है जो हमारा ब्लाउज है। इसलिए मैं कुछ भी सिलाई करती हूँ तो मैं एक ही बार में सब चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो जाए, और अच्छे से आप उसे बांध लीजिएगा। बांधने के बाद आपको जहाँ जहाँ आपको लेस लगाना है वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजली तरीके से मैं लगा ले रही हूँ। तो आप चाहते तो घर में बहुत सारी चीज़ स्टिच कर सकते हैं, मुझे मशीन जाती हूँ आने के बावजूद भी मैं स्टिच नहीं कर पा रही हूँ, ये काम किया जाए। तो यहाँ पर अच्छे से लग चुका है हमारा जो लेस है।
तो ये लेस बहुत ही अच्छे से उभर के आ रहा था इसमें, इस ब्लाउज में, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे को, तो बहुत प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लाउज स्टिचिंग एंड कटिंग एंड जो भी एवरीथिंग वीडियो है वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, अच्छा लगा हो ना लगा हो, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तब भी आप बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा। अब हम जो पहले हम ब्लाउज को दो पार्ट में फोल्ड करेंगे, सेंटर निकालेंगे, फिर उसको सेंटर निकालेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर 3.5 इंच के 3.5 इंच में बैक साइड टक्स डाल लूँगी, सॉरी हाँ टक्स डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सिलाई लगाऊंगी। तो ये है मेरा स्लीव्स, ये है उसका लटकन। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, प्लीज़ कमेंट डाउन कर जरूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को मेरा।